तो गाइज अगर आप जियो के यूजर हैं तो देखिए जियो के सिम का नेटवर्क लाना यहां पर जुगाड़ मिल चुका है। अगर आप सऊदी अरब में हैं और जियो का सिम लेकर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान हो सकता है। बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, उसके बाद जो है ये सॉल्यूशन निकाल के आया है कि जियो का नेटवर्क आना पॉसिबल है। मैं यहां पर लाइव प्रूफ के साथ बात करूंगा। यहां पर आपको दो काम करना है, पहला काम वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है, दूसरा काम जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको फॉलो करना है, बस यही दो काम करते। अभी आप देखिए मोबाइल पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फुल नेटवर्क रोमिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। एसटीसी का नेटवर्क पकड़ रहा है और जियो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हुआ। इससे पहले मैंने कई वीडियो में बताया कि जियो का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, मगर मैंने बहुत कोशिश करके यहाँ पे जियो का नेटवर्क लेके आया है। तो यहाँ पे बात करेंगे कैसे लाया है। अगर आप इंडिया से अभी आ रहे हैं तो एक काम पहला ये करिए कि जियो का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लेना है। पहला काम आपको ये करना, अगर आप सऊदी अरब में हैं और जियो का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन उसमें होता है, ठीक है। तो ये काम इंडिया में अगर कर लिए तो बहुत अच्छी, अगर जो नहीं कर पाए और सऊदी आ गए हैं और उसको जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मगर उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि आपके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क लाना है सबसे पहले, सबसे पहला काम यही करना है कि नेटवर्क लाना है। नेटवर्क आ गया, सारा काम हो जाएगा। जियो में आपको क्या करना होगा, एक इंटरनेशनल रोमिंग पैक डालना होगा आपको। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरब के लिए कौन सा इंटरनेशनल पैक, यही एक सॉल्यूशन है। अगर आप इंटरनेशनल पैक नहीं डालेंगे आपका सिम चालू नहीं होगा गाइस। तो आपको सबसे पहले इंटरनेशनल रोमिंग पैक यहाँ पे डालना ही होगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इंटरनेशनल रोमिंग पैक जो जियो के लिए है सऊदी अरब में वो कौन सा है। बहुत ही यहाँ पे जरूरी है इंटरनेशनल रोमिंग पैक, जब तक नहीं डालेंगे आपका नेटवर्क नहीं आएगा। पेटीएम हो या जियो हो या कहीं पर भी जाके आप जो है रिचार्ज जैसे करते हैं ना मोबाइल का वैसे करेंगे, वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसको आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 28 दिन के लिए एक पैक है, 1101 रुपया, ये पैक 28 दिन का है। देखिए मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि सक्सेसफुल मेरा रिचार्ज हो चुका है। अगला स्टेप क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क जो ऑप्शन है उसमें जाना है। उसके बाद जियो यहाँ पर लिखा आएगा, मगर हो सकता है नेटवर्क नहीं आया आपका, ठीक है। जियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है। अभी यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इसको क्लिक करिएगा। अभी देखिए मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा ये वाला, जब इसको ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पर सर्च करेगा, ठीक है, सर्चिंग स्टार्ट करेगा और बहुत सारा आपको नेटवर्क मिलेगा। इस तरह का नेटवर्क मिलेगा, आपको क्या करना है, एसटीसी 4G का जो ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पर आर लिखा गया, जैसे आर लिखाया आपका सारा काम होने लगेगा, ओटीपी भी आएगा, कॉल भी लगेगा, फ़ोन भी आएगा, सारा कुछ होने लगेगा। तो यही एक सिंपल स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके अपना जियो का सिम चालू रख सकते हैं।